हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि मेरे ब्लॉग से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, तो हाँ, ये सुबह के बज रहे थे 4:30 और मैं उठ चुकी थी। मुझे बनाना था केली का टिफ़िन, तो इस वजह से मैंने तुरंत फ्रेश होके और पूजा करके फिर मैंने केली का टिफ़िन बनाना स्टार्ट किया था। केली को टिफ़िन में सबसे ज़्यादा जो पसंद आता है वो है प्याज का पराठा, और उसका प्याज का पराठा मुझे बहुत ही सिंपल बनाना होता है, क्योंकि वो ना तो हरी मिर्च, मतलब हरी मिर्च तो खाती ही नहीं है, उसको जीरा भी नहीं पसंद होता। तो मैं उसके आटे में केवल थोड़ा सा मतलब ऑयल डालकर और थोड़ा नमक डाल के थोड़ी सी हींग मैं आटा गूँथ लेती हूँ, और उसे भरा हुआ प्याज नहीं अच्छा लगता, उसको आटे में मिक्स किया हुआ ही प्याज पसंद आता है। तो आज मुझसे आटा थोड़ा सा गीला हो गया था, जिसकी वजह से, क्योंकि मुझे सिर्फ दो पराठे का आटा गूंथना होता है, जिससे कि दिक्कत होने लगती है कि फिर मतलब वो कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ही गीला हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मुझे करना होता है। तो मैंने जब आज आटा गूंथा तो थोड़ा सा गीला हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे ठीक कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने सेकना स्टार्ट किया उसका पराठा। तो कभी कभी उसका पराठा मोस्टली मैं देसी घी में सेकती हूँ, लेकिन कभी कभी जो भी हाथ में आ जाता है फिर उसी से अपना सेक देते हैं। वैसे भी मतलब हम सभी लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो वैसे भी बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो यहाँ पे मैं उसके लिए पराठा बना रही थी, तो मैंने पराठा को फिर से गोल करने की कोशिश करी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नहा लिया था, बट शायद मैंने अभी पूजा नहीं करी थी, तो ये पराठा उसका बन गया है। सिंपल सा पराठा होता है, कुछ खास नहीं करना रहता, पर हाँ, उसका टिफ़िन बनाने में मुझे नॉर्मल टिफ़िन बनाने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसके में छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी रखनी होती हैं। तो अभी मैं वो भी आपको दिखाऊँगी कि मैंने उसका टिफ़िन कैसे पैक किया है। तो बच्चों का टिफ़िन बनाना है तो थोड़ा टाइम लेके चलना होता है, और ये मैं ले आई थी बंद, क्योंकि उसको बंद मक्खन बहुत पसंद है, लेकिन हाँ, ये उसके ऊपर बंद पे चेरी लगी हुई थी, तो इस टाइम चेरी नहीं पसंद कर रही है, तो मैंने फिर भी सोचा कि चलो देखते हैं, अगर वो खा लेगी तो कोई बात नहीं, वरना फिर मैं नॉर्मल बंद मंगाऊँगी उसके लिए। तो ये मैंने बंद निकाला और मैंने उसे 20 से 2 भाग में डिवाइड कर लिया था। उसके बाद में फिर मैंने इसमें बटर लगा दिया, पहले मैंने इसको सेका था, उसके बाद फिर मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया था। उसको बटर बहुत पसंद है, बटर जब भी आता है तो अगर उसका बॉक्स रखा होता है तो मैं बटर को मीन्स काट के उसके फिर उसी के बॉक्स में मैं रख देती हूँ, जिससे कि फिर निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये मैंने उसका दूसरा पराठा भी मैंने सेक दिया, और अब मैं बंद को सेकूंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, जिसकी वजह से मतलब मुझे मतलब मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगी थी, जिसकी वजह से मैंने चूड़ियाँ बहुत कम कर दी थी, क्योंकि वो पानी रह जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। और ये फाइनली उसके बंद सिक गए थे, तो फिर मैंने इसमें बटर लगा दिया था, बटर फ्रिज में रखा हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा टाइट था। और ये मैंने दूसरा वाला भी जो हिस्सा था उसको भी मैंने गर्म कर लिया, और उसके ऊपर भी मैंने बटर को अप्लाई कर दिया। और हाँ, फिर मैंने इसको 2 पार्ट में कट कर दिया था, जिससे कि वो आराम से खा ले, एक टुकड़ा एक बार में ख़त्म कर लेगी और दूसरा दूसरी बार में। मैंने इसको बहुत प्रॉपर नहीं सेका था, क्योंकि उसको प्रॉपर सिका हुआ पसंद नहीं आता, उसको बस हल्का सा सेक दो और बटर लगा दो तो वो ऐसा ही बहुत पसंद करती है। कभी कभी समझ में नहीं आता कि कौन सा सामान कहाँ पे रखे, क्योंकि इतना सारा सामान हो जाता है सामने, तो उसको भी किनारे करने में टाइम लग जाता है। और अब ये रहा केरी का लंच बॉक्स,
जिसे मैं करने जा रही हूँ पैक। मैंने किया हैंड वॉश क्योंकि हाथों में आटा चिपका हुआ था। और ये मैंने उसको दूध वाली मिठाई इस टाइम अच्छी लग रही है तो मैंने उसके लिए मिठाई रख दी। और अब ये मैंने निकाली सिल्वर फॉइल और उसका टिफ़िन पैक करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने इसके बंद रख दिए लपेट कर इसके टिफ़िन में, उसके बाद मैं पराठा रखूँगी। और ये मैंने उसके दोनों पराठे फोल्ड करके रख दिए। और पन्नी को रैप कर दिया और इसको उसमें रख देंगे अब। उसके बाद बचे उसके 3 बॉक्सेस जिसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें डाल देती हूँ, जैसे कि ओरियो बिस्किट उसको पसंद है। ये उसका टिफ़िन पैक हो गया। मैंने पैनकेक रख दिया था, मिठाई रख दी थी और मैंने रख दिए थे ये एक में पराठा।